हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल बाजार जैसी आंवला कैंडी की रेसिपी, जो खाने में टेस्टी होने के साथ ही काफ़ी हेल्दी भी होती हैं। तो आजकल मार्केट में फ्रेश आंवले बहुत ही आसानी से और अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, लेकिन फ्रेश आंवला खाना हर किसी को पसंद नहीं होता, स्पेशली बच्चों को। लेकिन अगर आप इस तरीके से ये आंवला कैंडी बनाओगे तो बड़ों के साथ ही बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी। तो इन्हें घर पर बनाना बहुत आसान है और ज़्यादा क्वांटिटी में आप इन्हें बनाकर एक साल तक भी स्टोर करके रख सकते हो। तो बिल्कुल भी देर किए बिना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बिल्कुल बाजार जैसी इन आंवला कैंडी को बनाना। यहाँ पर मैंने ये आधा किलो या हाफ के जी फ्रेश आंवले लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो कोशिश करें कि इस तरीके के बिना दाग वाले ही आंवले लें। तो इन्हें मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टीमर में स्टीम करूँगी। तो पानी मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें सभी आंवले रख देंगे। आप चाहो तो आंवलों को एक सीटी आने तक प्रेशर कुक भी कर सकते हो, लेकिन उससे आंवलों की न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है। तो ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट तक मैं इन्हें स्टीम करूँगी। तो यहाँ पर 15 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोल लिया है, तो आंवलों को चेक कर लेंगे। आंवलों का कलर हल्का लाइट हो गया है, इस तरीके से फोक से चेक करने पर आसानी से पता चल रहा है कि ये कुक हो चुके हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर लेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। तो सभी आंवले यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर इन आंवलों को चाकू से इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो आंवलों की फांकों को हमें यहाँ पर इनके अंदर के बीज से अलग कर लेना है। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ये अलग हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, घर पर बहुत ही आसान है इन आंवला कैंडी को बनाना, और बच्चों को आंवला खिलाने का ये एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी ऑप्शन भी है। तो सभी आंवलों की फांकों को मैंने अलग कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें डाल रही हूँ इस मिक्सिंग बोल में। साथ ही इसमें ऐड करूँगी 1 कप या 200 ग्राम चीनी। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 नींबू का रस। तो आंवलों में भी खट्टापन होता है, लेकिन साथ ही कसैलापन भी होता है। तो नींबू का रस डालने से कसैलापन तो दूर होगा ही, साथ ही कैंडी काली भी नहीं पड़ेंगी और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चीनी को आंवलों के साथ साफ सूखे स्पून से अच्छे से यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके का कॉटन का कपड़ा लिया है। तो कपड़े को यहाँ पर अच्छे से इस बोल के ऊपर कवर कर लेंगे। तो ये कपड़ा ही लेना, इसीलिए मैंने इसमें रबड़ बैंड लगा दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसे 4 से 5 दिन के लिए छोड़ दूंगी। रोज हमें दिन में एक बार इसे स्पून से मिक्स भी जरूर करते रहना है। तो 2 दिन बाद मैं यहाँ पर इसे चेक कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा हटा लिया है, तो पहले मैं यहाँ पर इसे सूखे और साफ चम्मच से मिक्स कर लूंगी। तो चीनी यहाँ पर पूरी तरह से डिजोल्व हो चुकी है और आंवलों ने भी काफी हद तक चाशनी को एब्जॉर्व कर लिया है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो फिर से इसे कवर करके मैं इसे 2 से 3 दिन तक ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर 5 दिन बाद इस तरीके से आंवलों का कलर थोड़ा डार्क हो चुका है और इन्होंने चाशनी को भी पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लिया है। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से तैयार है। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें इस स्ट्रेनर में निकाल लूंगी। तो 5 मिनट तक मैं इन्हें ऐसे ही रेस्ट करने दूंगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे छन जाए। तो जो ये पानी बचा है इसे आप फेंके ना, बल्कि इसमें 1 कप पानी, थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला डालकर इसे मिक्स कर लें। तो शिकंजी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इन आंवलों को मैं अब निकाल रही हूँ इस बड़ी थाली में। तो इसे मैं यहाँ पर फैला लूंगी। आप चाहो तो इन्हें किसी साफ कपड़े में भी फैला सकते हो। तो इन्हें हमें 3 से 4 दिन तक धूप में रखना है। तो 2 दिन तक धूप में रखने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। तो इनमें अभी हल्की नमी है, तो 2 दिन तक मैंने इन्हें और धूप में रखा है और इस तरीके से इनका जो मॉइस्चर है पूरी तरीके से निकल चुका है और ये ड्राई हो चुकी हैं। तो 3 से 4 दिन की धूप इन्हें सुखाने के लिए सफिशियंट है। ज़्यादा सुखाने पर यह हार्ड भी हो सकती हैं। तो इन्हें मैंने यहाँ पर इस बोल में निकाल लिया है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच पीसी चीनी या पाउडर शुगर। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसे डाले बिना ही इन्हें ऐसे ही खा सकते हो। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इस प्लेट में मैंने इन्हें निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल बाजार जैसी, बल्कि यूं कहें कि बाजार से भी अच्छी ये आंवला कैंडी बनकर तैयार हो गई है।
तो एक आंवला कैंडी को मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो आंवले के इस सीजन में ज्यादा क्वांटिटी में आप इन्हें बनाकर किसी एयरटाइट कंटेनर में एक साल तक भी स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।